नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन बैंक रिटायरीज का पिछले 3 डिकेड से पेंडिंग है और ना कोई सुनने वाला है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो या चीफ जस्टिस हो, कोर्ट में सेम पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में सेम पोजीशन, आईबीए का कोई इंटरेस्ट नहीं, यूओबीयू के लीडर्स केवल बिफूल करने में लगे हैं। एस्टरडे 4 फरवरी को जंतर मंतर पर हमारे रिटायरी साथी, हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ साथियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। काफी मास में लोग इकट्ठे हुए, इतने ठंड, दिल्ली की ठंड के बावजूद भी उन्होंने इकट्ठे हुए और अपनी बातें कही। यहां तक कि इसमें गेस्ट स्पीकर श्री गिरीश चंद आर्या जी थे, जो भारतीय मजदूर संघ के फाइनेंशियल सर्विसेज के इंचार्ज हैं। एक आशा, एक उम्मीद के साथ उनको बुलाया गया होगा कि शायद रूलिंग पार्टी से एक अफिलिएट होने के मारे कुछ हमारी मदद कर सकें। पिछले दिनों भी उन्होंने कई पत्र वित्त मंत्री को लिखे थे और लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, वन ऑप्शन टू रिजाइनिंग, फैमिली पेंशनर्स के लिए 30% यूनिफॉर्म, कुछ न कुछ जो कुछ हुआ, अरे सारे लोगों के संगठित होने का एक फल रहा होगा। लेकिन जहां तक बात पेंशन अपडेशन की आती है, अब हमारा जो नेक्स्ट धरना प्रदर्शन AIBPRC ऑर्गेनाइज कर रही है, 4-2 का तो AIBRWA ने किया, अब AIBPRC कर रही है 22 फरवरी को, और उसका भी उद्देश्य वही है कि पेंशन अपडेशन हो, मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरीज को मिले जो बैंक प्रीमियम बियर करे, स्पेशल अलाउंस का कंपटीशन के लिए, पेंशन के कंपटीशन के लिए इंक्लूड किया जाए। ये सारी बातें जो रिटायरीज की हैं वो AIBPRC भी अपने धरने में सम्मिलित करेगी। और AIBRWA ने कहा, हम एक बात, हमें लगता है एक विचारणीय प्रश्न है हम सबके सामने कि हम ये धरना प्रदर्शन जब करते हैं या कर रहे हैं केवल रिटायरीज के बेनिफिट के लिए, लेकिन इनका कॉग्निजेंस कोई ले रहा है? सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है? पार्लियामेंट से कोई इसके बारे में सोच रहा है? क्या वित्त मंत्री ने कहा कि आप आइए हमसे बात करें? क्या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा? तो फिर हम इतना मेहनत जो कर रहे हैं, जो हम इस सर्द और ठंड के मौसम में अपनी बीमारियों का रोना न रोते हुए वहां इकट्ठे होके हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीजों का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती हैं कि हमारे हजारों हजारों बुजुर्ग अपने न्याय की आस में लड़ रहे हैं, तो हमें भी आगे आना चाहिए? नेताओं की सुनवाई तो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, माफियों की सुनवाई 1 घंटे में हो जाती है, और 7 लाख पेंशनरों की सुनवाई तारीख पे तारीख पड़ती है। हमारे पेंशन एक्टिविस्ट कहते हैं इंतजार करिए, एक्स ग्रेसिया मत लीजिए, जो एक्स ग्रेसिया लेने को तैयार है उन्हें समझाइए। वहीं पे कुछ साथी कहते हैं एक्स ग्रेसिया ले लीजिए, जो मिल रहा है ले लीजिए, पता नहीं बाद में ये भी मिले कि ना मिले। जिंदगी के शाम में जो भी आपको उपलब्ध हो रहा है ले लीजिए। और इन सबों के बीच में हम पेंशनर्स, हम रिटायरीज इस उपमुखों की स्थिति में हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमें सही राह दिखाने वाला कौन है? हम तो भटक रहे हैं। चलिए एक्स ग्रेसिया नहीं लेना है, आपके अकाउंट में एक्स ग्रेसिया क्रेडिट हो तो आप क्या करेंगे, किसको रिफंड कर देंगे, कहां भेज देंगे? जब एक संस्था जो हमको गाइड कर रही है, यूओबी और आईबीए, चाहे मेरी बात माने या ना माने, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो अगर हम ना भी चाहते हैं तो कैसे मना कर सकते हैं? और फिर
बात वहीं आती है। कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं डिफरेंट केसेज लगे हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, स्टे पिटीशन केसेज है, एमसी सिंगला केसेज है, स्पेशल अलाउंस का केसेज है, बहुत केसेज लगे हैं, क्या होगा, क्या हो रहा है और कब तक होगा? ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है कि कब से कब होगा। फिर हमारे कुछ एक्टिविस्ट, हमारे सीएन वेणुगोपालन सर हैं, डीएस मूर्ति जी हैं, और विभिन्न प्रकार के आर्टिकल और लेख हमारे आते रहते हैं जिसमें हम लोग सुनते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ होगा। बस अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दिन रात आईबी और यूबी को कोसते हैं, इसके अलावा हम मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हम वित्त मंत्री को पत्र लिखते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है। हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, कोई रिस्पांस आता नहीं आता। हम चीफ जस्टिस से गुहार लगाते हैं, कोई नहीं आता है। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है, विचारणीय प्रश्न, कि 7.5 लाख बैंक रिटायरीज के पास विकल्प क्या है? जिस दशा में है उस दशा में ही छोड़ देना का ही विकल्प है। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबकी आवाज उठाने की छूट है, सबको राइट है, लेकिन उस आवाज का क्या जो किसी के कानों तक, सरकार के कानों तक, सरकार के जो अथॉरिटी उनके कानों तक ना पहुंच पाए। हमने 4 को धरना प्रदर्शन किया, हम फिर 22 को कर रहे हैं, फिर अगले माह मान लिया फिर हम किसको ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, लेकिन हम इनके प्रतिफल की इंतजारी कब करें, कैसे करें? भटक रहे हैं हम लोग, आशा की कोई किरण अभी नहीं दिख रही है। देखिए हमारे भाग्य विधाता यूबीयू के लीडर्स अपने पिटारा से क्या खोलते हैं, और आने वाले दिनों में एमसी सिंगला का केस, एसबीआई पेंशनर का केस, क्रिमिनल केस, स्टे पिटीशन केस, स्पेशल अलाउंस केस, किस करवट उठ बैठता है? सिवा टकटकी के हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।